नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्सम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर वीडियो अपलोड करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप अपने YouTube वीडियो की रीच बढ़ाना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। जैसे कि आप जानते हो, सभी लोग अपने जो YouTube पर वीडियो बनाते हैं वो अलग अलग भाषाओं में होते हैं। कोई हिंदी में बना रहा है, कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज में बना रहा है, तो उससे होता क्या है, उस वीडियो की रीच थोड़ी सी लिमिट हो जाती है उसकी। यानी जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां पर लोग हिंदी की वीडियो देखेंगे, अगर मान लो कोई तमिल भाषा जानता है तो वो तमिल वाली वीडियो देखेगा। तो इस तरह से उन वीडियोस की रीच थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। लेकिन अगर आप फायदा उठाना चाहते हो, अपने वीडियो का रीच बढ़ाना चाहते हो, तो उसका सबसे अच्छा जुगाड़ है, सबसे बढ़िया उसका तरीका यही है कि आप अपने वीडियो के अंदर अलग अलग भाषाओं के सब टाइटल्स ऐड कर दो, और सबसे अच्छा रहता है इंग्लिश का सब टाइटल ऐड करना। तो मान लो मेरी कोई हिंदी की वीडियो है और उस हिंदी की वीडियो के अंदर मैं इंग्लिश के सब टाइटल लगा देता हूं, तो उससे क्या होगा, जिन लोगों को हिंदी भाषा समझ में नहीं आती है वो भी सब टाइटल पढ़ के आपके वीडियो को समझ पाएंगे, जिससे आपके वीडियो की रीच बढ़ेगी और आपका जो एडसेंस का अमाउंट है, यानी एडवर्टाइजमेंट से जो पैसा आप कमा रहे हो, उसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा। पहले यूट्यूब वीडियोज के ऊपर सब टाइटल्स ऐड करना बहुत ही मुश्किल काम होता था, बहुत ही मेहनत हमें करनी पड़ती थी। एक एक लाइन को, एक एक सब टाइटल को हमें मैनुअली टाइप करना पड़ता था। लेकिन YouTube के अंदर अब बहुत ही कमाल के फीचर्स ऐड हो गए हैं, टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है, तो उसकी वजह से अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मान लो मेरा हिंदी का वीडियो है, तो अब हिंदी के वीडियो में मैं अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज करूंगा तो उसका फायदा यह होगा, कोई भी बंदा किसी भी भाषा को जानने वाला हो, वो जैसे ही उस भाषा को सिलेक्ट करेगा, आपका वीडियो उसी भाषा में आपके सब टाइटल उसके ऊपर शो होने लगेंगे। मान लो मेरा हिंदी का वीडियो है, मैंने इंग्लिश का सबटाइटल उसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मान लो कोई जैपनीज बंदा है, वो जैपनीज लैंग्वेज के अंदर उसको देखना चाहता है, सबटाइटल को देखना चाहता है, तो वो जैपनीज लैंग्वेज सिलेक्ट करेगा और आपके जो सबटाइटल है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएंगे जैपनीज लैंग्वेज में। इससे आपके वीडियो की रीच जबरदस्त बढ़ जाएगी। अब आपको अपने वीडियो के अंदर ये काम कैसे करना है, सबटाइटल्स कैसे ऐड करने हैं, वो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको अपना YouTube चैनल ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको YouTube स्टूडियो पर क्लिक करना है, YouTube स्टूडियो ओपन कर लेना है, उसके बाद कंटेंट पर जाना है। अब यहाँ पर आपको आपके सारे वीडियो दिखाई देने लगेंगे। ये हमारा वीडियो है, मान लो इसके ऊपर मैं सबटाइटल्स ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो पेंसिल का बटन आ रहा है, डिटेल का बटन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस वीडियो के अंदर मान लो मैं सबटाइटल्स ऐड करना चाहता हूँ, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा सबटाइटल्स का, आपको सबटाइटल्स पर क्लिक कर देना है। अब यहां आपको कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, यहां आप देख सकते हैं वीडियो सबटाइटल्स, तो यहां आ रहा है हिंदी और हिंदी ऑटोमेटिक कैप्शन। तो यहां पर जो आप देख रहे हो हिंदी ऑटोमेटिक कैप्शन, यानी अगर आप अपनी वीडियो को जिस भी लैंग्वेज में, जो आपकी लैंग्वेज होगी आपके वीडियो के अंदर, उस लैंग्वेज को ये ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है। मान लो अगर आपकी वीडियो हिंदी की बजाय मराठी में है, तो यहां पर आपको मराठी ऑटोमेटिक कैप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहां पर जो हिंदी का ऑप्शन आ रहा है, इसके आगे यहां पर आपको एक पब्लिश्ड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर जब कर्सर लेके जाओगे तो यहां पर एडिट का ऑप्शन आएगा, ये पेंसिल का बटन आ रहा है, इस पर जब आप कर्सर लेके जाओगे तो यहां पर आपको दिखेगा डुप्लीकेट एंड एडिट। अब आपको सिंपल यहां पर डुप्लीकेट एंड एडिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे, अब आपके वीडियो के अंदर जो भी आपने बोला होगा वो सारा का सारा यहां पर आपकी लैंग्वेज में लिख के आ जाएगा। यानी मेरा वीडियो हिंदी में है तो यहां पर सब कुछ हिंदी में लिख के आ रहा है। अब यहां पर आपको छोटा सा काम ये करना है, ज्यादातर तो ये बिल्कुल ठीक ठीक आपका सेंस कर लेता है कि आप क्या बोल रहे हो। अब यहां पर कोई छोटी मोटी अगर एरर आ रही हो, कुछ भी इसमें गलत हो रखा हो, तो आप उसे यहां पर टाइप करके ठीक कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो, हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप दो यूट्यूब चैनल पर, तो मैं यहां पर आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूं ये क्या बोल रहा है और यहां पर क्या लिख के आ रहा है। ठीक है, मैं प्ले करता हूं, इसको सुनो आप। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप दो YouTube चैनल पर एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो सेम टाइम पर। तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो, जो मैं वीडियो के अंदर बोल रहा हूं वही सारा का सारा यहां पर ऑटोमेटिकली आ चुका है हमारी हिंदी भाषा के अंदर। अब आपको यहां पर थोड़ा सा देख लेना है कि कोई ऐसा वर्ड गलत टाइप हो रखा हो, जैसे यहां पर OBS
ये आ रहा है OBS, मैंने बोला है OBS लेकिन ये आ रहा है OBS, तो आपको यहाँ पर करेक्ट कर देना है। यहाँ से जो चीज़ें गलत हो रखी हैं उन्हें आपको सिंपल यहाँ करेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ OBS, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। इसी तरह से स्टूडियो ओपन कर लिया है, वो आप पूरा यहाँ पर पढ़ लो, अपना सारा टेक्स्ट यहाँ पर पढ़ लो कि कहीं पर अगर कोई गलती हो रखी है, गलत टाइप हो रखा है, तो आप उसे यहाँ पर करेक्ट कर दो, ठीक कर दो, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो टाइटल हैं, सबटाइटल हैं, हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट होके आ चुके हैं। तो एक बार बस आपको चेक कर लेना, उसके बाद सिंपल आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा सेटअप हो गया। उसके बाद मान लो आपको इंग्लिश सबटाइटल इसके अंदर ऐड करने हैं, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी सबटाइटल्स आप ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए सिंपल ऐड लैंग्वेज पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ से कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, सारी लैंग्वेज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इंग्लिश सबटाइटल ऐड कर देता हूँ क्योंकि इंग्लिश ज़्यादातर लोग समझ पाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो इंग्लिश, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश कनाडा, इंग्लिश इंडिया, ये सब आ रहा है। तो हम यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप इंग्लिश सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज दिखाई देने लगेगी। इसके आगे यहाँ सबटाइटल आ रहा है, यहाँ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आ रहा है। अब आपको सबसे पहले सबटाइटल्स ऐड करने हैं, तो सबटाइटल्स के लिए यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, पेंसिल का बटन आ रहा है और ऐड लिख के आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका इंग्लिश सबटाइटल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख पाओगे, इस साइड आप देख रहे हो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं। आपको ऑटो ट्रांसलेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ऑटो ट्रांसलेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके जो हिंदी सबटाइटल थे वो अपने आप ही यहाँ पर ट्रांसलेट हो चुके हैं। अब एक बार यहाँ पर आपको नज़र मार लेनी है, अगर कोई यहाँ पर करेक्शन करना हो तो करेक्शन कर दो। वैसे ये ज़्यादातर 99% तक ये ठीक ही होता है, सही से ट्रांसलेट यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद सिंपल पब्लिश पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारे इंग्लिश सबटाइटल भी यहाँ पर पब्लिश्ड हो चुके हैं। ये देखो आप, यहाँ पर आ रहा है पब्लिश्ड। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी अपडेट कर देना है, यानी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के नीचे ये जो ऐड का बटन आ रहा है इसे क्लिक कर दो। और उसके बाद ये जो आपके सबटाइटल हैं, जो हमारा मेन टाइटल है, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह से जो हमारा डिस्क्रिप्शन में जो भी हमने लिख रखा है वो सारा का सारा यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। अब इससे होगा क्या, जो हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है और हमारे जो सबटाइटल हैं वो इंग्लिश में भी हमारे लग चुके हैं। अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक हिंदी ऑटोमेटिक कैप्शन और एक हिंदी वीडियो लैंग्वेज और इंग्लिश, ठीक है। तो हमें हिंदी ऑटोमेटिक कैप्शंस की अब ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हिंदी कैप्शन हमारा डिलीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन दिख रहा है, हिंदी वीडियो लैंग्वेज, ये दिख रहा है। तो इसे हम यहाँ पर जो 3 डॉट्स आ रहे हैं इस पर आप क्लिक करो और इसे कर दो अनपब्लिश, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी वाला हमारा अनपब्लिश्ड हो गया। अब केवल इंग्लिश के सबटाइटल हमारे यहाँ पर पब्लिश्ड हो रखे हैं, बचे हुए हैं। तो अब कोई भी बंदा अगर वीडियो प्ले करेगा तो उसको इंग्लिश के सबटाइटल डिफ़ॉल्ट में दिखाई देंगे, मतलब हिंदी में नहीं आएंगे, इंग्लिश में ही वो ट्रांसलेट होके दिखाई देंगे। तो मैं दिखाता हूँ कैसे इसको करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को हम प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर मैं इसे प्ले करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे वीडियो में मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ लेकिन सारे सबटाइटल इंग्लिश में लिख के यहाँ पर आ रहे हैं और हमें ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ी। अब मान लो किसी को इंग्लिश लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती है, तो वो मान लो चाहता है कि मैं भैया चाइनीज़ लैंग्वेज में देखूँ या मैं जैपनीज़ लैंग्वेज में देखूँ या मैं किसी दूसरी लैंग्वेज में आपकी वीडियो के सबटाइटल देखूँ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो वीडियो देख रहा है उसे ही करना है। अब मान लो मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि भैया ये वीडियो मैं किसी दूसरी भाषा में देखना चाहता हूँ, तो आपको सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पर जो सेटिंग का बटन आ रहा है सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हो सबटाइटल CC, तो ये हमारे डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश में है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारी लैंग्वेज के ऑप्शन मिल जाएंगे। मान लो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं ऑटो ट्रांसलेट पर क्लिक करता हूँ। अब देखोगे आप यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं आ गई, ये आप देखो बहुत सारी लैंग्वेज आपको यहाँ मिल जाएंगी। जिस भाषा में आप चाहो उस भाषा में इसे ट्रांसलेट कर सकते हो, फ्रेंच में करना है, किसी भी लैंग्वेज में करना है,
तो गुजराती, मान लो यहाँ पर गुजराती लैंग्वेज आ रही है, मैं यहाँ पर गुजराती, पंजाबी, कोई भी भाषा आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, उसी भाषा के अंदर आपके सब टाइटल ट्रांसलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मान लो संस्कृत लैंग्वेज भी आ रही है, जैसे मैंने संस्कृत यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, तो अब आप देखोगे जो हमारी वीडियो है वो संस्कृत में हमारे सबटाइटल आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये YouTube देखो, चैनल पर एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो सेम टाइम पर। सबसे पहले आपको जो आपका तो अब आप देख सकते हो हमारे जो सबटाइटल्स हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में यहाँ पर आने स्टार्ट हो गए। इसी तरह से मान लो मुझे लैंग्वेज चेंज करनी है, तो फिर से मैं सेटिंग पर जाऊंगा और यहाँ पर सबटाइटल के आगे क्लिक करूंगा एरो पर, या हम ऑटो ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई दूसरी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो मैं यहाँ से गुजराती लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, गुजराती पर क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे हमारे जो सबटाइटल हैं अब यहाँ पर ये गुजराती में कन्वर्ट हो गए। ये देखो, मैंने यहाँ पर OBS स्टूडियो ओपन कर, तो दोस्तों इस तरह से अब क्या होगा, कोई भी बंदा आपकी वीडियो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के देख रहा है, चाहे वो कोई भी भाषा समझता हो, आपके वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसे अच्छे से समझ पाएगा। तो आप भी अपने वीडियोस के अंदर इस तरह के सबटाइटल जरूर लगाइए और आप चेक करके देखिए, इसका फायदा आपको जरूर मिलने वाला है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपनी किसी भी वीडियो के अंदर सबटाइटल्स को ऐड कर सकते हो। अब आपका जो वीडियो है, चाहे वो हिंदी भाषा में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, और कोई भी बंदा उसे देखना चाहे, चाहे वो रशियन हो, अंग्रेज हो, चाइनीज हो, कोई भी अपनी लैंग्वेज में आपके वीडियो को देखना चाहता है, समझना चाहता है, तो बहुत आराम से उसे समझ पाएगा और इससे आपके वीडियो की रीच बढ़ेगी, व्यूज बढ़ेंगे और आपकी कमाई भी बढ़ेगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।